हर कीलन का सबसे सही और आसान तरीका। इस आसान तरीके के द्वारा आप अपने घर का खुद ही आप बंधन कर सकते हैं। इस उपाय को, इस विधि को अपनाने के बाद कोई भी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, कोई भी बुरा बंधन नहीं रहेगा और खुद ही बड़े सरल विधि के द्वारा आप अपने घर का बुरी शक्ति से आप बंधन कर सकते हैं और इससे आपके घर का पूर्ण रूप से कीलन हो जाएगा। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं घर कीलन की, कि घर कीलन क्या होता है, घर को कैसे कीला जाता है और घर कीलन से क्या लाभ की आपको प्राप्ति होती है और कितनी देर आपके जो घर का कीलन है वह सही रहता है और कब जो पहरा खत्म हो जाता है घर कीलन का, इस वीडियो के माध्यम से आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो घर का कीलन क्या होता है? जब भी आपके घर में कोई नेगेटिविटी होती है, कोई बुरी शक्ति होती है, कोई बुरी वादा होती है, तो उस बुरी शक्ति को घर से बाहर निकालने के लिए घर का कीलन किया जाता है। और घर कीलन इसलिए किया जाता है कि ताकि आपके घर में कोई भी साधक, कोई भी तांत्रिक, कोई भी शत्रु आपके घर में कोई बुरी शक्ति ना लगा पाए, ना आपके घर के ऊपर और ना ही आपके शरीर के ऊपर। और जो भी कोई बुरी शक्ति कहीं चौराहे से आपको लग जाए या शमशान से आपको लग जाए, ताकि वह आपके घर में बुरी शक्ति प्रवेश ना कर पाए। तो जो घर का कीलन है, पहले तो देखा जाता है कि आपके घर में कौन सी नेगेटिविटी है। अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक, काले इल्म के द्वारा किसी ने कोई बंधन लगा रखा है, तो जो ब्लैक मैजिक, काले इल्म का जो बंधन है, तो इसकी काफी वीडियो चैनल के ऊपर मैं आपको डालकर इसकी विधि बता चुका हूं कि ब्लैक मैजिक की काट कैसे होती है तामसिक विधि के द्वारा। क्योंकि जब भी आपके घर परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक, काला इल्म लगा दिया जाता है, तो वह लगाया जाता है तामसिक विधि के द्वारा। मांस मदरा देने के बाद, बलि देने के बाद, बलि में कुछ भी हो सकता है, मुर्गे की भी बलि दे सकते हैं, बकरे की भी बलि दे सकते हैं, या फिर कलेजी वगैरह भी दी जाती है बकरे की, अंडे वगैरह दिए जाते हैं बलि देने के लिए। तो जब ऐसी कोई विधि आपके घर में हो जाती है, ऐसा कोई प्रयोग कोई साधक, कोई तांत्रिक कर देता है, तो आपके घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है। तो जब आप अपने घर का कीलन करेंगे, कुछ साधक ऐसे होते हैं कि ऐसी आपके घर में कील लगा दी, ऐसी ताबीज लगा दी कि घर का कीलन हो गया, ऐसे कीलन नहीं होगा। जितनी देर उस नेगेटिविटी को, उस बुरी शक्ति को आप घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो उसके बाद आसान विधि के द्वारा भी आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जो घर का कीलन है, अगर आप उसका लूफा भोग प्रसाद दे देंगे घर से बाहर कर, जैसे मैं आपको बताता रहता हूं, तो उस उपाय के द्वारा भी आपके घर का कीलन हो जाता है। कोई कील लगाने की जरूरत नहीं होती और कोई ताबीज पहनने की जरूरत नहीं होती। जब उसका लूफा एक बार आप दे देते हो तो आपके घर का कीलन हो जाएगा, उन देवी देवताओं का सही वास आपके घर में हो जाएगा, जो भी आपके घर के इष्ट हैं। क्योंकि जब कोई नेगेटिविटी, कोई तांत्रिक विद्या आपके घर में लगा दी जाती है तामसिक विधि के द्वारा, तो आपके जो घर के इष्ट देवी देवता, कुल देव, कुल देवी है, उनका बंधन हो जाता है
और वह आपके घर में पहरा नहीं देते, उनका कोई प्रभाव नहीं रहता आपके घर में। और जब आप इनका लूफा देकर घर से बाहर इसको दे देते हैं, जैसे मैं विधियां आपको बताता रहता हूं तामसिक विधि के द्वारा, तो जो आपके घर के इष्ट देवी देवता हैं वह आपके घर में पहरा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह जो कीलन है उतारे के द्वारा, जैसे आपने शराब का भोग दे दिया, त्रेजी का भोग दे दिया, अंडे वगैरह दे दिए, जैसे लूफे में आपको बताता रहता हूँ उपाय करने के लिए, घर का कीलन करने के लिए और ब्लैक मैजिक की काट करने के लिए, तो ऐसी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर जाकर के, ब्लैक मैजिक की काट कैसे करें साधना समाधान चैनल के ऊपर, ये सभी वीडियो मैंने डाली हुई, डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक दिए हुए हैं। तो उस काट के बाद देखो आपके घर का कीलन एक बार तो हो जाएगा, अगर दोबारा से किसी ने आपके ऊपर भय शक्ति फिर से लगा दी तो फिर से बंधन हो जाएगा। तो इसलिए जब ऐसा आप उतारा करें तामसिक विधि का घर में से घुमाने के बाद, भोग प्रसाद देने के बाद, उसके बाद आप अपने घर में कील लगाएं, लोहे की कील, और घर में महाकाली भैरव के जंतर वगैरह आप लगाएं, और सरसों वगैरह पड़ने के बाद घर में छीटा दें आप अपने घर में। तो सबसे पहले जो ये विधि है इसके लिए आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा, आपके पास सिद्धि होनी चाहिए। अगर लंबे समय तक आपने घर का कीलन कर कर रखना है ताकि आपके घर में बुरी शक्ति कोई प्रवेश ना करे, तो इसके लिए देखो चौंतिया जंतर, माता महाकाली के जंतर और लोहे की कील आपने अपने सामने रखने के बाद मंत्रों का जाप करना होता है घर कीलन के लिए। जैसे मंत्र हैं कि आकाश को बांधूं, पताल को बांधूं, लगे लगाए किसी के शब्द को बांधूं, भूत को बांधूं, प्रेत को बांधूं, सिट मुठ को बांधूं, बारह जाता को बांधूं, पानी भरती भन्यार को बांधूं, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं, आद शक्ति माता काली, बाबा भैरवनाथ, माता मसानी मेलडी, माता चौगान की रानी, माता मदानन, ख्वाजा जिंदा पीर, आपके इल्म का तमाशा। तो सभी देवी देवताओं का नाम लेकर जिनके द्वारा हम घर का कीलन कर रहे हैं, तो उनके मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उन चीज़ों को सिद्ध किया जाता है, चाहे वो तावीज है, कोई जंतर है, गले में पहनने वाला कोई धागा है, तो उसके बाद अपने घर में लगाना होता है, चारों कोनों में कील लगानी होती है, और घर में जो सरसों के ऊपर आपने इस मंत्र का जो जाप किया है पूरे घर में इसका छीटा देना होता है, तो इससे घर का कीलन हो जाता है लंबे समय तक। और अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक नहीं किया किसी ने, काला इलम नहीं किया हुआ है, तब आप सात्विक विधि के द्वारा भी आप अपने घर का कीलन खुद कर सकते हैं। उसके लिए जो उपाय मैं आपको बताता हूँ, जैसे दो माता मदानन की कच्ची पक्की मीठी रोटी बना लें सरसों का तेल लगाकर, और माता काली का देसी घी का हलवा बना लें, भैरव का सरसों के तेल का हलवा बना लें, सात प्रकार की आप मिठाई ले लें, तो इस लूफे को घर से घुमाने के बाद, सभी के ऊपर से घुमाने के बाद, माता रानी के थान के ऊपर जब आप चढ़ा देंगे तो आपके घर में जो नेगेटिविटी बुरी शक्ति है तो वह दूर हो जाएगी, और जो आपके घर के इष्ट हैं उनका पहरा हो जाएगा कुछ देर के कीलन के लिए। लेकिन अगर लंबे समय तक आपने घर का कीलन करना है फिर आपको किसी न किसी मंत्र का जाप करना पड़ेगा वैष्णव विधि के द्वारा, चाहे आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, चाहे आप शक्ति माता दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें, तब भी आपके घर का कीलन हो सकता है आसान विधि के द्वारा। लेकिन अगर लंबे समय तक आपने अपने घर का कीलन खुद करना है तो किसी मंत्र का भी जाप करने के बाद वह जो वस्तुएं हैं तो उनको आपने सिद्ध करना होगा, सिद्ध करने के बाद आप अपने घर में उसको लगा कर रखें। लेकिन जब दीपावली आती है या फिर होली का पावन त्यौहार आता है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तब जो इसका असर है, जो भी कीलन की विधि होती है ये एक बार तो खत्म हो जाती है पूरी जो शक्ति है, तो इसको दोबारा से जागृत करने के लिए बार बार घर कीलन की जरूरत नहीं पड़ती। जिस समय आपने घर का कीलन किया है, जो लूफा उस समय आपने भोग प्रसाद घर से घुमा कर बाहर दिया है, वही भोग प्रसाद फिर से आप दे दें, तो इससे घर का कीलन हो जाता है पूर्ण विधि के अनुसार। तो लंबे समय तक तो अगर आपने घर कीलना है तो कील वगैरह पूरे सिद्ध करने के बाद आप अपने घर में लगाएं, और अगर वैसे ही कुछ दिनों के लिए आप चाहते हैं कि घर का बंधन हो तो उसके लिए आप तामसिक विधि का प्रयोग करें,
जो मैंने आपको बताया है, अगर ब्लैक मैजिक काला इल्म है, अगर सात्विक विधि के द्वारा आपके घर में कोई बुरी शक्ति लगी हुई है तो आप उस विधि के अनुसार वैष्णव भोग प्रसाद देकर घर से उतारा करने के बाद आप घर से जब बाहर देंगे तब भी आपके घर का कीलन हो जाता है कुछ दिनों के लिए। जो आप लुहा देते हैं, उतारा देते हैं, वह होता है कुछ दिनों के लिए, और जो आप घर में कील वगैरह लगा देते हैं पूरा कीलन हो जाता है, क्योंकि वह जो कील होते हैं या तावीज होता है उनके ऊपर देवी देवताओं का पहरा होता है और किसी भी नेगेटिविटी को आपके घर में वह प्रवेश करने नहीं देते। तो यह जो विधि है बिल्कुल आसान विधि के द्वारा मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसी कोई विधि है, तामसिक विधि है आपके घर में, तब आपको जो लोहा है तामसिक ही देना पड़ेगा अगर आपके घर में कोई बंधन किया गया है। अगर वैष्णव विधि के अनुसार ही आपके घर का कोई ऐसा बंधन किया गया है तब आप वैष्णव विधि के द्वारा आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं। ऐसे कील लगाने से कोई लाभ नहीं होगा अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपने कोई उतारा घर से बाहर नहीं दिया, क्योंकि बहुत साधक हमें अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद कॉल करते हैं कि गुरु जी आप वहाँ पर बैठे बैठे ही कर दो, आप हमारे से पैसे ले लो वहाँ पर। ऐसे कुछ नहीं होता, जितनी देर आप उतारा नहीं करोगे, उतारा तो आपको करना ही पड़ेगा, कहीं से भी कीलन करवाओ, हमारे से कीलन करवाओ या किसी और से, जितनी देर आपको पता ही नहीं कि आपके घर में क्या नेगेटिविटी है क्या बुरी शक्ति है, जितनी देर आप उसका उतारा ही नहीं कर रहे, घर से बाहर उस बुरी शक्ति को नहीं निकाल रहे, तो वह तो आपके घर में बंद ही हो जाएगी वो नेगेटिविटी है। जो जितनी देर जैसे हमने पहले उसका कीलन कर दिया तो पहले उसका घर से घुमाकर कुछ ना कुछ उतारा लुफा देना पड़ेगा जो भी कोई बुरी शक्ति है, तभी आप अपने घर का कीलन करें। सही विधि यही है। ऐसे किसी को पैसे ना दें कि आप घर बैठे ही हमारा कीलन कर दें, हमारे से पैसे ले लो, उतारा आपको खुद करना पड़ेगा। कोई भी तंत्रक हो कोई भी साधक हो घर बैठे कोई नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अगर आप किसी से सामग्री वगैरह कोई यंत्र वगैरह मंगवा रहे तो उससे पहले पूछ लो कि हमारे घर में क्या नेगेटिविटी है, इसको दूर हम कैसे करें, उसको दूर करने के बाद ही कील वगैरह लगाएं, तभी आपके घर का जो कीलन है सही विधि सही तरीका यही है, इसी से आपके घर का कीलन हो पाएगा, जो ये वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपको बताया है। और जो तामसिक भोग प्रसाद है ब्लैक मैजिक की काट करने के लिए, वह भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्या ब्लैक मैजिक की काट है और सात्विक विधि के द्वारा कैसे काट आप कर सकते हैं, तो वह साधना समाधान चैनल के ऊपर आप सर्च करने के बाद वह वीडियो देख सकते हैं। तो उससे आपको संपूर्ण लुफे की प्राप्ति हो जाएगी, क्या भोग प्रसाद देना होता है, अघोरी की काट करने के लिए क्या होता है, मसाने की काट करने के लिए क्या विधि है, वो संपूर्ण जो विधियां हैं वह जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से डाली हुई है इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और मुझे ये भी जो आप हमारी वीडियो देखते हैं चैनल के माध्यम से, तो ये आप नीचे कमेंट जरूर किया करें कि आप किस स्थान के ऊपर जो बैठकर कौन से देश में या कहां पर आप कौन सा गांव है आपका कहां पर बैठकर वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल के नीचे कमेंट जरूर किया करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, अब तक जय माँ काली जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।